राहुल गांधी ने नीट स्टूडेंट से मिलकर क्या कहा। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। सर, इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। देयर वाज अ डिजिटल लीक आल्सो दिस टाइम। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा मॉम पूरे सा हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam. And most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cut-off. Baki cut-off 657 pahunch gayi hai. 630 jo benchmark hota hai ek रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400%। सर, सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे प्रोबेबली दे आर बिलो इवन 640। हाउ डज दैट हैपन? I feel that there are major 4 reasons. The first one is obviously paper leak. Second was that there was a digital leak also this time, like on Telegram channels, or majorly there were other platforms as well. Third reason was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR and the people of the NTA or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. Cheating is cheating. Yes. It's cheating. Yes, and sir, the grace mark is the fourth point which is not going to impact that much. सर, मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्जाम लीक हुआ है। सर, एग्जाम लीक हुआ है उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है, और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहां पर 2 सेंटर्स पर ये चीज देखी गई है उनको हम अभी वहां पर जांच की जाएगी, और हमने मांगे रखी थी कि रेनिट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम डाल PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे, बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। सर, हमारे पेरेंट्स भी इस चीज से दुखी है कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्जाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर, इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, लोग कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोज डिलीट की जा रही है, हम अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियो सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। वन डे ऑफ द होल ईयर तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया, तो मेरा मम्मी अकेली 6 सर। सर, मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर, 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर, अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर, ऐसा मैं सोच सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी। मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे, अभी रीनीट करा तो इजी होता सर। मतलब सर कंफ्यूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रिवैल्यूएशन तो कोई नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीजें कर सके, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीजों पे बोलना चाहिए? सर, सबसे पहले तो सेकेंड एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एनटीए एज अ कॉन्सेप्ट इज अ फेलियर। यस यस, एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है एनटीए पे इस टाइम। फर्स्ट पॉइंट री एग्जाम, सेकेंड पॉइंट एनटीए ना कराए, थर्ड पॉइंट
एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग। सर फोर्थ पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीड स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? आपको क्या, आप क्या लगेगा, आप अगर वो ऑपरेशन करवाने जाएगा क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नॉन में कि भाई किसी को और का पेशेंट इसका स्टैंडर्ड है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी मिस हैपनिंग इतनी बढ़ जाएंगी, वी कैन नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनेट का कॉन्सेप्ट है और जो ये रीनेट का कंक्लूजन है, ये बेसिकली दो ही बॉडीज हैं इंडिया में जो इसकी पावर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हम अभी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, एंड द सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल किया और उसके अंदर लाइक वन डे के अंदर उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है। Yes. क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। Yes, yes, वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। Yes, sir. अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल कर। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पर डालेंगे। धन्यवाद।